हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक है आज का डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये टॉपिक आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अब फ्रीजिंग पॉइंट की अगर अपन सिंपल डेफिनेशन दे तो एनी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे आपका फ्रीज होता है उसको अपन कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। बट इसकी सिस्टमेटिक अगर डेफिनेशन दे तो यहां पर अपने पास में लिक्विड एंड जो सॉलिड स्टेट है इन दोनों के बिटवीन क्या हो आपका एक टेम्परेचर जिसपे क्या हो आपका इक्विलिब्रियम हो। दैट मीन्स अगर इसको अपन किससे वेपर प्रेशर से आइडेंटिफाई करें तो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को अपन क्या कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? दैट टेम्परेचर इन विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट वेपर प्रेशर इज इक्वल दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो आपका इक्वल हो जाए उसको क्या कहेंगे अपन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। अब यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए। आपको सबको पता है क्या कंडीशन होती है आपकी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसकी बात करेंगे अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका क्या करेंगे अगर इसमें अपन मिक्स करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। ये कंडीशन सब में अपन ने अप्लाई की है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। अब इसको अपन इससे कनेक्ट करेंगे अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले आप मैंने समझो डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग होना। क्या बात करें बेटा? डिक्रीजिंग होना। डिप्रेशन मतलब होगा आपका डिक्रीज होना। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका किस वे में डिक्रीज होता है उस कंडीशन को अपन यहाँ पर क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपको इसमें सिंपल वे में इस चीज को समझाता हूँ कि यहाँ पर किस वे में अपन वेपर प्रेशर से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अपना सीधा सीधा फंडा है व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल इन सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आल्सो डिक्रीज दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिनोट बाय डेल्टा टी एफ, टी फॉर टेम्परेचर एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ किसे नोट करेंगे अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। अपने पास में टी एफ नोट दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसकी बात करेंगे अपन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? एक होगा अपने पास में टी एफ दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बात क्लियर है सबकी? डेल्टा टी एफ क्या हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? डेल्टा टी एफ क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टी एफ क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब आपको ये इस पूरे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मैं सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं अपन प्योर सॉल्वेंट जैसे वाटर है आपका। क्या है बेटा? वाटर है। अब देखिए इसको अपने पास में इस पॉइंट पे आपका ये प्योर सॉल्वेंट है। यहां पर क्या ये प्योर सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट। क्लियर? और यहां पे ये अपना सॉलिड सब्सटेंस है। क्या बेटा? ये सॉलिड सब्सटेंस है। अपने पास में जैसे ही
प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तभी तो ये क्या होगा, फ्रीज होगा। कोई भी प्योर सॉल्वेंट है जब डिक्रीज होगा, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने पास में देखो कितना डिक्रीज होगा, ये कितना टेम्परेचर इसको डिक्रीज करना होगा। इस टेम्परेचर को ऊपर किससे नोट करेंगे, डेल्टा सॉरी टी एफ नोट से। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है तो इस पॉइंट पे आगे क्या हुआ, ये फ्रीज हो गया। इस टेम्परेचर को ऊपर किससे नोट करेंगे, टी एफ नोट से। इससे करेंगे टी एफ नोट से, बात क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिक्स कर दिया। इस प्योर सॉल्वेंट में क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। उस कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इससे कम हो गया। ये बात कर चुके अपन। जैसे ही अपन ने क्या किया, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्ट क्या किया, मिक्स किया, तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस वाले पॉइंट पे सर क्या आया, वेपर प्रेशर। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और डिक्रीज करेंगे क्या करने के लिए, इसको फ्रीज करने के लिए, राइट। तो फ्रीज करने के लिए अगर अपन डिक्रीज करेंगे तो इस वाले पॉइंट का ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रीज हो जाएगा। इस वाले क्या कहेंगे अपन, टी फॉर टेम्परेचर एफ फॉर फ्रीजिंग। अब देखो यहां पर कि जो टेम्परेचर है आपका वो किसको ज्यादा अपन को क्या करना पड़ रहा है, आपको देखो डिक्रीज करना पड़ रहा है आपका प्योर सॉल्वेंट का, और जो सॉल्यूशन है उसका कम करना पड़ रहा है। तो यहां पर कौन ज्यादा है, टी एफ नॉट ग्रेटर देन टी एफ, बात क्लियर है। किसका ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ रहा है अपन को, प्योर सॉल्वेंट का। तो टी एफ नॉट ग्रेटर देन टी एफ, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको अपन क्या इससे कहेंगे बेटा, डेल्टा टी एफ। इससे कहेंगे डेल्टा टी एफ, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हुआ ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको अपन किससे कैलकुलेट करना चाहेंगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। बात क्लियर होगी। अब आप क्लियरली समझ लीजिए, प्योर सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर है आपका। इस वाले पॉइंट पे कोई भी आपका सब्सटेंस है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपन को यहां तक आने के लिए टेम्परेचर जो गिवन है वो कितना डिक्रीज करना होगा, टी एफ नॉट, बात क्लियर है। जैसे अपन ने इस प्योर सॉल्वेंट में क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्ट डिजोल्व किया, तो अपने पास जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इससे कम आएगा। अब यहां से यहां तक आने के लिए अपन को क्या करना है, टेम्परेचर डिक्रीज करना है, क्योंकि इसको भी क्या करना है आपको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके टेम्परेचर कौन होगा, टी एफ। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा देना कम करना पड़ा अपन को, टी एफ नॉट। तो यहां पर टी एफ नॉट ग्रेटर देन टी एफ, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा टी एफ है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां तक क्लियर होगी सबकी बात, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब अपन इसका क्या करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ध्यान दो, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बिटवीन क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो ग्राफ आपको लोड करना आना चाहिए, ग्राफ हटना नहीं, आपको समझना है जैसे ये अपन ने बनाया वैसे के वैसे अपन को ग्राफ को क्लियरली एक्सप्लेन करना है, वो मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्राफ किसकी बिटवीन बनेगा, ग्राफ वाली कंडीशन क्या है, ध्यान से समझना बेटा।
ये अपने पास में दो एक्सेस होते हैं ग्राफ में, यहाँ पर क्या होगा आपका वेपर प्रेशर, इसकी बात करेंगे, यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात करेंगे, क्लियर। और यहां पर बात करेंगे इसकी टेम्परेचर, इसकी बात करेंगे अपन टेम्परेचर की बात करेंगे जो किसमें होगा केल्विन में, क्लियर। अब देखिए ये आपका कोई भी क्या है सॉलिड सब्सटेंस है, क्या ये सॉलिड सब्सटेंस है, क्लियर। अब देखिएगा अपने पास में ये वेपर प्रेशर वाली लाइन है, ध्यान से देखिए बेटा, और ये टेम्परेचर अपने पास, सब क्लियर हो रहा है। अब अपने पास में दो कंडीशन है, एक तो बात करेंगे अपन प्योर सॉल्वेंट की, एक बात करेंगे अपन सॉल्यूशन की। अब देखो अपने पास में इस वाले पॉइंट पे इसका प्योर सॉल्वेंट, इसका प्योर सॉल्वेंट का क्या है आपका वेपर प्रेशर, क्या है वेपर प्रेशर, क्लियर। तो यहां पर देखिए अब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब क्या हुआ ये फ्रीज होगा, तो देखिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा, देखिए इधर ये देखो यहां पर इस वाले पॉइंट में आगे क्या हो जाता है ये फ्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा आपका, क्लियर। क्योंकि फ्रीज कब होगा जब गिवन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हुआ आपका डिक्रीज होगा, क्लियर। तो ये किसके लिए लिखा अपन ने प्योर सॉल्वेंट के लिए, इसके लिए लिखा अपन ने इसको प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये वाली जो लाइन बनी है इसके लिए लिखा है अपन ने प्योर सॉल्वेंट के लिए, बात क्लियर है। अब जैसे ही अपन ने क्या किया प्योर सॉल्वेंट में एड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉलिड, तो क्या हुआ उसका वेपर प्रेशर क्या हुआ डिक्रीज हो गया, देखो आपके सामने दिख रहा है आपको ये डिक्रीज हो रहा है, ये देखो क्लियर। सपोज डिक्रीज हो रहा है तो कहां पे आ गया आपका जी यहां पे जाएगा डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। अब इसको फ्रीज करने के लिए अपन को इसका वेपर प्रेशर और डिक्रीज करना होगा। अब देखो बेटा प्योर सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं अपन, इस प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर आएगा अपने पास में वो क्या होगा अपने पास में देखो टी एफ नॉट, क्या होगा टी एफ नॉट, क्लियर। अब प्योर सॉल्वेंट ने क्या ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है डिक्रीज, क्या हो जाता है डिक्रीज, तो ये देखो इससे क्या हो गया डिक्रीज। अब इसको फ्रीज करना है तो हमको यहां पर क्या करना होगा इसका टेम्परेचर देखो इस तरीके से इस वाले पॉइंट पे आके देखो ये फ्रीज हो जाता है, ये टेम्परेचर आपको किसका होगा टी एम का, इसका होगा बेटा ये आपका, तो ये किसके लिए आ गया आपका सॉल्यूशन के, किसके लिए आ गया ये सॉल्यूशन के, इस वाले पॉइंट से अपन ने टेम्परेचर डिक्रीज किया यहां ये फ्रीज हो गया, टेम्परेचर कौन सा हो गया आपका टी एफ नॉट, इस वाले पॉइंट से अपन ने टेम्परेचर डिक्रीज किया इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया आपका फ्रीज हो गया, टेम्परेचर क्या है आपका टी एफ, टी एफ इसका टेम्परेचर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, टी एफ नॉट इसका फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, क्लियर। और जो दोनों में डिफरेंस आएगा उसको क्या कहेंगे अपन डेल्टा टी एफ, क्या कहेंगे डेल्टा टी एफ। अब देखो ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, आप कोई से पॉइंट दे सकते हो उससे कोई आपको इफेक्ट नहीं होगा। अब आप देखो यहां से ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी कौन सी ज्यादा है टी एफ नॉट, तो यहां पे अगर अपन निकालेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू किसके इक्वल आएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, दैट इज द
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गया आपका डिप्रेशन, कम हो गया डीएफ, है ना, सोल्यूशन का कम होना, क्या कह रहा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या करने पर जोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसी को क्या कहेंगे अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर है, ग्राफ आपका क्लियर होना चाहिए, थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये कंप्लीट अभी अपनी थ्योरी हुई है, इससे रिलेटेड अपन सारे कैलकुलेशन करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी, कोई डाउट फिर भी रह जाए तो आप डाउट सेशन में इसको क्लियर कर सकते हो, बट मैंने पूरी कोशिश की है आपको ग्राफ और पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करने में। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए ठीक है।